एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ प्रगति। तो आज मैं आपके साथ जन्माष्टमी का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं नहा चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ और मैंने सोचा थोड़ा सा आपसे बातें कर ली जाए पहले थोड़ा सा। तो जन्माष्टमी के लिए जो मैंने लड्डू गोपाल की ड्रेस और जो लड्डू गोपाल का झूला बनाया था वो आप मेरे पिछले वीडियो में देख चुके होंगे, और अगर नहीं देखा है तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये देखिए इसका जो फुल व्यू है मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी। तो अभी बीच बीच के अपडेट्स मैं आपको देती रहूंगी। तो फिलहाल हम तो और आज के पूरे दिन में मैं क्या क्या करने वाली हूँ उसका वीडियो मैं ज़रूर आपके साथ बीच बीच में शेयर करती रहूंगी, और कोशिश करूंगी कि बीच बीच में आपसे बातें करती रहूँ। चलिए बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, आगे बीच बीच में हम फिर से मिलते रहेंगे। नहा के पूजा करने के बाद मैंने अपने पैरों में लगाया आलता जो अभी आप देख रहे हैं, और क्योंकि हम यूपी साइड के हैं यूपी में किसी भी पूजा में आलता ज़रूर लगाया जाता है। और उसके बाद अब हम यहाँ पर बना रहे हैं चाय, और चाय के साथ मैंने यहाँ पर मखानों को रोस्ट किया है घी में। मैंने यहाँ पर सॉल्ट का यूज़ नहीं है क्योंकि हम नमक नहीं खाते हैं व्रत में। और उसके बाद यहाँ पर बच्चा पार्टी के लिए ब्रेकफास्ट में बनाए गए हैं आलू के पराठे, क्योंकि बाकी सबका तो फास्ट था तो बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाए गए, वो वही इंजॉय कर रहे हैं। हैंड वॉश कर लेना। तो बच्चों का ब्रेकफास्ट भी हो चुका है और हमने चाय भी पी ली है, तो अब ये लंच की प्रिपरेशन हो रही है। लंच हमारा प्रिपेयर हो चुका है। ये देखिए लंच में मैंने क्या बनाया है। तो ये लंच रेडी हो चुका है। ये मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली सब्ज़ी। तो लंच यहाँ पर रेडी हो चुका है, अब जाएंगे मंदिर की डेकोरेशन के लिए। तो चलिए वो भी बीच बीच में दिखाऊंगी कि कैसी डेकोरेशन कर रहे हैं, वो मैं करूंगी मार्केट से आने के बाद। तो ये बच्चा पार्टी आ गए हैं यहाँ पर थोड़ा सा अपना होमवर्क वगैरह करके। तो क्या बोलना है शिप्रा, क्या बोलना है, क्या बोलना है, आज क्या है? कृष्ण जी का बर्थडे है। और क्या है? कृष्ण जी का बर्थडे है, पता है क्या है आज? अरे मैम ने बताया था। मैम ने बताया था जन्माष्टमी। तो आज हम क्या सेलिब्रेट करेंगे? लड्डू गोपाल का बर्थडे। बर्थडे देखो मैं लड्डू गोपाल ले आऊं। सबको हाय तो कर दो। हाय एवरीवन। मम्मी अब ना पहले भी तुम शाकापटनम में लड्डू गोपाल का वीडियो बनाया था। हाँ वीडियो नहीं बनाया था, बस मैंने जैसे से शूट किया था आप लोगों का पूजा करते हुए, है ना? है ना? हाँ। तो और कुछ बोलना है आपको? चलो अभी जाओ, भूख लगी। भूख लगी है। तो हमारा लंच रेडी हो चुका है और बच्चों को भूख लगी है, तो इन लोगों को फटाफट से लंच करा के जाएंगे मंदिर को डेकोरेट करने के लिए। मंदिर करेंगे और टीवी देखने। अच्छा आप जाओगे टीवी देखने और लंच? लंच थोड़ी देर में। थोड़ी देर में। और आपको अभी? ठीक है तो चलिए मिलते हैं। तो लंच यहाँ पर मैंने बनाकर रेडी कर दिया है, वो आप अभी देख ही चुके हैं जब कि मैंने लंच में क्या बनाया है। तो मेरे बेटे ने यहाँ पर एक अपना जो स्कूल का प्रोजेक्ट है वो बनाया था, वो यहीं पर रखा हुआ है जहाँ पर मैं बैठ के बात कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी दिखा दूँ। तो ये देखिए ये प्राशिश ने बनाया है, ये विलेज हाउस है और यहाँ पर इसका डोर भी है एक इस तरीके से, और ये चूल्हा बनाया है, मतलब पूरा गांव का एक थीम है, तो एक कच्चा हाउस बोलते हैं उस तरीके से उसने बनाया है। ये देखिए तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको दिखा दूँ ये। और उसने एक क्ले से जो मॉडल बनाते हैं वो भी बनाए हैं। तो ये देखिए ये जो क्ले मॉडल होती है ये इसने बनाया कैटरपिलर, ब्रंजल और ये बनाया है रोज। तो ये क्ले से बनाया है सारी चीज़ें। तो बीच बीच में ये सब भी चलता रहता है, बच्चे अपना बीच बीच में अपना शूट भी कर लेती हूँ। और अब शाम को बनाएंगे हम पूजा का सारा सामान, चिड़ना मिर्च और जो भी चीज़ें बनती हैं हमारे वो हम बनाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर मंदिर सजाने जा रही हूँ, थोड़ा सा टाइम मिला है दिन में, ये बने रहिए वीडियो में। तो ये स्टार्ट हो गया टीवी और बच्चा पार्टी जा रही है अब टीवी देखने। शिप्रा क्या देखने जा रहे हो? ये देखो।
तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और यहाँ पर मैं एप्पल को कट कर रही हूँ, तो सोचा कि एप्पल कट करके सबको दे देती हूँ। तो वही यहाँ पर मैं एप्पल कट कर रही हूँ और उसको खा लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे अपने बाकी काम को करने के लिए। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ लड्डू गोपाल का आसन, और उसके लिए मैंने ये कार्डबोर्ड लिया है। कार्डबोर्ड में एक कलरफुल जो पॉली है वो लगा ली है, और साइड में लेस लगा ली है। और बेस के लिए मैंने यहाँ पर दो मेरे कप के डब्बे थे उन्हीं का यूज़ कर रही हूँ, और कोई भी गोल्डन कपड़ा या फिर आपके पास प्लेन कपड़ा उससे मैंने इसको कवर कर दिया है। और यहाँ पर उसके बाद मैंने ये मेरे पास एक लटकन लगी हुई थी पॉम पॉम की, उसी को यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो मैंने लड्डू गोपाल का झूला बनाया और लड्डू गोपाल की ड्रेस, उसी को मैं इस पर रखूंगी, जो कि आप मेरे पहले के वीडियो में देख चुके हैं। अब मैं बना रही हूँ भोग के लिए प्रसाद। ये बना रही हूँ आटे की पंजीरी, और जो मेरे पास यहाँ पर ये मखाने हैं और भी ड्राई फ्रूट्स हैं, सारों को रोस्ट कर लूँगी। और इसको हम चाशनी में मिक्स करते हैं जिससे कि मिठास हो जाती है इनमें। और उसके बाद बनाएंगे चरणामृत। अभी मैंने यहाँ पर साड़ी पहन ली है, मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी है क्योंकि पूजा में येलो और रेड कलर काफ़ी शुभ माना जाता है, तो मैंने वही पहन ली। और बाकी जो मेरा पूजा का जो फूल वगैरह है वही बची हुई जो तैयारी वो मैं कर रही हूँ। तो अभी पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है और टाइम भी हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। तो आप भी हम लोगों के साथ पूजा कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा है।
दमयंती माला। अभी पूजा ख़त्म हो चुकी है और हम लोगों ने जो अपना व्रत है वो खोल लिया है, प्रसाद ले लिया है। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।